हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सवाल उठाए, टिप्पणी की। अब इस टिप्पणी में वो खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा सचिवालय की तरफ से उन्हें एक नोटिस जारी कर दिया गया है और 15 तारीख तक जवाब देने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के एक सांसद है निशिकांत दुबे, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी या तो सबूत पेश करें या फिर माफी मांगे, और अगर वो दोनों नहीं कर पाते हैं तो लोकसभा की सदस्यता उनकी खत्म हो जाएगी। ऐसे में उनका जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है, इसको भी जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक तरफ लोकसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस राहुल को थमा दिया। निशिकांत दुबे का कहना है कि स्पीकर को बिना कोई नोटिस दिए प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप नहीं लगाए जा सकते। नोटिस में हमने कहा है कि 15 फरवरी तक राहुल गांधी अपनी बात का सबूत पेश करें, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें माफी मांगनी होगी, अगर वो माफी भी नहीं मांगेंगे तो उन्हें लोकसभा की सीट से हाथ धोना पड़ेगा। बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने साफ तौर से अडानी का नाम लेते हुए उनकी संपत्ति में अभूतपूर्व बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके करीबी संबंध होने का दावा किया था। राहुल का दावा था कि अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में दोस्ती है। राहुल के भाषण के बाद 10 फरवरी को लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें अपमानजनक, असंसदीय और भ्रामक बयान की बात कहते हुए राहुल गांधी से जवाब मांगा गया। गौरतलब है कि निशिकांत दुबे ने 8 फरवरी को ही स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखा था और राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। लेकिन यहां सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी सबूत नहीं देते हैं और माफी भी नहीं मांगते हैं तो क्या उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी? तो इसके लिए नियम ये है कि सदन से निकालने या फिर सस्पेंड करने का अधिकार सभापति के पास होता है। अगर कोई स्पीकर के आदेश को नहीं मानता तो उसे निलंबित किया जा सकता है। लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 373, 374 और 374A के तहत अगर कोई सदस्य सदन के नियमों की अवहेलना करता है तो उसे अधिकतम 5 बैठकों या फिर बचे हुए सत्र के लिए निलंबित किया जा सकता है। वहीं राज्यसभा में नियम 255 और 256 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।